ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को काफी हानि पहुंचाई है, जिसकी वजह से उनके सारे वर्ष की मेहनत पर पानी फिर गया है। मटर, प्याज, आलू, गेहूं, गोभी और अन्य फसलें काफी हद तक खराब हो चुकी हैं। अन्नदाता किसान आने वाले समय में अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा, ये उसे समझ नहीं आ रहा है। सोलन में ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को काफी हानि पहुंचाई है, जिसकी वजह से उनके सारे वर्ष की मेहनत पर पानी फिर गया है। मटर, प्याज, आलू, गेहूं, गोभी और अन्य फसलें काफी हद तक खराब हो चुकी हैं। अन्नदाता किसान आने वाले समय में अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है। किसानों के साथ ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ हो, पहले भी इस तरह की घटनाएं किसानों के साथ हुई हैं, लेकिन पहले महंगाई ज्यादा नहीं थी, इसलिए घर चलाने में दिक्कत परेशानी नहीं होती थी, लेकिन अब उनका गुजारा कैसे होगा, यही बात किसान को सता रही है। किसान सभा के जिला सचिव प्यारे लाल और अन्य किसानों ने अपने दिल का हाल मीडिया के समक्ष रखा और कहा कि अचानक हुई ओलावृष्टि से उनकी फसल को काफी नुकसान हुआ है, जिसके लिए वे कई वर्षों से सरकार को गुहार लगाते आ रहे हैं कि मुश्किल घड़ी में सरकार किसानों को कोई राहत प्रदान करे, लेकिन सरकार किसानों को किसी भी तरह का मुआवजा प्रदान नहीं करती है, जिसके चलते अब किसान मुआवजे की मांग करना भी भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मर्जी के बगैर केसीसी से इंश्योरेंस के पैसे काटे जाते हैं, तो उन्हें मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि इस बार किसानों को इतनी हानि हुई है कि शायद किसान केसीसी की किस्त तो दूर अपने घर का खर्चा भी नहीं चला पाएगा। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह किसानों की मदद करे और उन्हें नियमों का पाठ पढ़ाए, बिना मुआवजा देकर किसानों को राहत पहुँचाए। मेरा नाम अमन ठाकुर है, मैं डमरोग बलाना गांव का रहने वाला हूं। अभी एक दो दिन पहले जो ओलावृष्टि सोलन क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्र के अंदर हुई है, और ये हर साल होती है, लास्ट ईयर भी इस तरह से हुई थी, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर मुआवजा नहीं दिया। इस बार भी ये जो ओलावृष्टि हुई है, सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सरकार एक टीम बनाती है और निरीक्षण किसी भी क्षेत्र में करने नहीं जाती है, या जाती भी है एक पर्टिकुलर गाँव में जाएगी और सारा का सारा आंकलन कर लेती है, और मुआवजा वास्तव में जो किसानों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। प्रशासन को किसानों का ध्यान रखना होगा, यदि ऐसे ही चलता रहा तो हिमाचल की दशा बहुत ही दयनीय हो जाएगी। तो ये था आजमगढ़ का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधि के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एचयूडी के साथ। नमस्कार।